Hello students. In this lecture video we will do some more practice question on contract costing. Tele so, question number four partehim A contract account in the books of construction immediate appears as follows material used to site 5000 plant issued to site 12500 Diet Labor 4600 and diet labor 640 overhead expenses 1915 you are informed that it is a practice of the firm to take credit for 2/3 of the profit earned on the contracts in progress after taking into the account the value of work certified for payment by architects देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये ऐसे ही लैंग्वेज स्टेटमेंट पढ़ी थी कि कोई अगर वेल रेप्यूटेड कंपनी या फर्म होती है वो पहले से ही जो है प्री डिसाइड करके आती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे वांट टू ट्रांसफर टू रिजर्व एज वेल एज टू पी दिन अकाउंट बिकॉज उनको जो है उनको पता होता है कि कॉस्ट एस्टिमेशन कितना होने वाला है प्लस वो पहले से ही जो है एस्टिमेट कर लेते हैं कि ओवर उनको जो प्रॉफिट कितना होने वाला है ठीक है so, सो यहाँ पर देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको सिंपल है मीन्स आपको यहाँ पर प्रोपोशन देगा टू थर्ड सो टू थर्ड ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सिंपल है दैट मीन्स यहाँ पर हमें टू थर्ड फिक्स लेना लेना है दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें वो नहीं देखना ठीक है तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करेंगे हम अपना नॉमिनल अकाउंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग अकाउंट क्वेश्चन नंबर फोर तो देखिए जैसे हमको था कि डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसिस लिखेंगे अच्छा हमें आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है हमसे यू आर रिक्वायर्ड टू कम्पलीट दी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू जून थर्टी शो द अमाउंट दि यू वुड ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट शो रिलेवेंट एंट्रीज इन द बैलेंस शीट ऑल्सो फॉर दिस पर्पज यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज एट द डेट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड फॉर पेमेंट टेन थाउजेंड अच्छा देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट से बनेगा लिखा हुआ है

है देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे पहले हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं देखिए क्या आएगा मटेरियल फाइव थाउजेंड प्लांट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड डायरेक्ट लेबर फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इनडायरेक्ट लेबर

एंड वर्क अनसर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड की देखिए पहले कितने की वर्क अनसर्टिफाइड कितने की थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड टोटल लिख देंगे यहाँ पर थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड इसके बाद देखिए लीजिए लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ मटेरियल नोट यूज नाइन फिफ्टीन स्टॉक ऑफ मटेरियल नाइन फिफ्टीन, फिर वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन साइड आफ्टर डेप्रैट इज इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट, साइड विच इज इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव दैट्स इट अब आपको टोटल करना है इसका टोटल आएगा आपका ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अब हम कैलकुलेट करेंगे नोशनल प्रॉफिट की नोशनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं क्रेडिट है का टोटल जो आएगा उसको लेस करेंगे जितना भी कॉस्ट इंकर्ड हुई अब तक ठीक है तो ये आपका रहा है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव लेस फाइव थाउजेंड लेस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेस फोर्टीन लेस वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन ये आपका अमाउंट आ रहा है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव ठीक है आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कितना अमाउंट हमें पी में ट्रांसफर करना है कितना हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो क्या बोला हुआ है कि फर्म की जो प्रैक्टिस है वो कितना है करेंगे वो नोशनल प्रॉफिट का टू थर्ड वो ट्रांसफर करेंगे सो इन टू में टू डिड बाई थ्री विच कम्स टू अमाउंट रुपीजन टू हंड्रेड नी अच्छा देखिए यहां पर कितना हम क्या करते थे मल्टीप्लाई बाई कैश वर्क सर्टिफाइड यहां पर आप देखोगे तो हंड्रेड परसेंट अमाउंट ही मिल गया एक तरह से आपको तो भाई टेन थाउजेंड मिला था कैश मिला और टेन थाउजेंड वर्क सर्टिफाइड हुआ तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो आपका पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है तो बस यहां पर लिख देंगे हम पी account एल अकाउंट वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी एंड रेस्ट विल ट्रांसफर टू डब्ल्यू आई पी रिजर्व डेट इज वर्किंग फिगर आपको आएगी सिक्स फोर्टी फाइव अब आपसे हमसे हमें आपसे कुछ पूछ रहा है देखिए हमसे कॉन्ट्रेट अकाउंट बना लिया हमने और कितना अमाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर वो भी निकाल लिया अब हमें बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट बना लेते हैं बैलेंस शीट में क्या है आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं वहीं बनानी आपको सिर्फ ट्रीटमेंट शो करनी है कि जो जो गिवन है उसको ट्रीट कैसे करेंगे इसको कहां पर लिखेंगे तो यहां देखिए एसेट साइड में आएंगे सीधा हम देखिए एसेट साइड में देखिए क्या यहां पर ऐसे हेड में क्या होता है देखने जितना पैसा आपको मिलना बाकी है ठीक है देखिए जितना आपने काम कर लिया देखिए डब्ल्यू आई पी प्लस डब्ल्यू आई पी में क्या आएगा आपका पूरा अमाउंट आएगा थर्टी थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड इसका पैसा मिलना बाकी है आपका थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू आई पी हेडिंग लिखेंगे ठीक है वर्क सर्टिफाइड देखिए कितना हो गया आपको टेन थाउजेंड वर्क अनसर्टिफाइड कितना आपका थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड अब इसमें से आपने कितना पैसा जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया रिजर्व में जितना ट्रांसफर कर लिया वो माइनस कर दो दैट इज सिक्स फोर्टी फाइव एज वेल है जितना आपको कैश रिसीव हो चुका कितना मिल चुका आपको टेन थाउजेंड वो भी लेस कर लो यानी कि अब कितना मिलना बाकी है दैट इज़ अमाउंटिंग रुपीज थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव ये मिलना बाकी है ठीक है ना मिलना बाकी दैट मीन्स आपको एज अ डेटर शो करोगे वहाँ पर आप तो ये एसेट में जाएगा आपका ठीक है बाकी देखिए स्टॉक ऑफ मटेरियल अभी बाकी है प्लांटेड साइड अभी बाकी है तो वो भी आपका एसेट में शो होना चाहिए तो यहाँ पर आएगा आपका मटेरियल इज नाइन फिफ्टी एंड प्लांट वन इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव तो बस टोटल कर देंगे अब हम फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एट्टीन अच्छा अब यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट आप जो आपने ट्रांसफर करा पी में वो आप यहाँ पर लिखोगे पी अकाउंट दैट इज वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइनटीन ठीक है अगर आप वैसे इसका टोटल ना करो तो ज्यादा बेटर बिकॉज यहाँ पर आप बैलेंस के लिए आपके पास कुछ है नहीं ठीक है तो बस आपको यहाँ पर ऐसा ट्रीट करना है आपको बेनिफिट का कि कौन सी कौन सी ट्रीटमेंट जो आपको कहाँ फिगर कौन से कहाँ कहाँ चाहिए आपको बैलेंस नहीं करना है यहाँ पर कुछ ठीक है बिकॉज आपको बैलेंस शीट में देखिए काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं यहाँ पर आपको कुछ भी गिवन नहीं है अब फॉर्म है फर्म की कितनी लाइब्रेटरी है कितने लोन रखे हैं कुछ गिवन नहीं है आप यहाँ पर आपको कितने क्रेडिट रख कुछ भी गिवन नहीं है ठीक है तो बस हम यहाँ तक इसको यहाँ तक करेंगे सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए अ फर्म ऑफ बिल्डर कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट कैप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑन थर्टी जून 2017 थाउजेंड फॉलोइंग वाज शोन एज बीइंग द एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट नंबर ट्रिपल सेवन मटेरियल परचेज मटेरियल फ्रॉम स्टोर प्लांट विच हैड बीन यूज ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान एट विच यूज ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इन रुपीज दिस तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हम स्पेसिफिकली हम देखना हमें कॉन्ट्रेक्ट नंबर ट्रिपल सेवन के लिए तो अदर कॉन्ट्रैक्ट से हमें जो भी खर्चा होगा उसको हमें क्या लेने देना तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज कर दिया हुआ है एडिशनल पालना प्लांट परचेज दैट इज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेन वेजेस गिवेन है आपको डायरेट एक्सपेंसिस चार्जेस

दिस इज दी एटी परसेंट अमाउंट अब आपको हंड्रेड परसेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा देखो लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग दी एट्टी परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड अप टू थर्टी जून सेवन सेवनटीन फिर लिखा है मटेरियल ऑन द साइड एट विच डेट वर वैल्यूड एट रुपीज नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एट तो मटेरियल साइड आपका यूज नहीं हुआ द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वॉज

देखिए क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो देखिए सारे एक्सपेंस लेते हैं पहले मटेरियल परचेज फिफ्टी एट थाउजेंड सिक्सटी थ्री मटेरियल फ्रॉम स्टोर नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट्टी फाइव तो हमें कंसिडर करना नहीं है एडिशनल प्लांट हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें डेपेशन लेना है तो मैं डेप्रीशन लेता हूँ डेप्रीशन ऑन प्लांट, ये गिवन है देखिए आपको अमाउंटिंग रुपीज वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी लेंगे वेजिस अमाउंटिंग रुपीज सेवेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी फोर डायरेक्ट एक्सपेंसिस 2026 थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स चार्जेस एट अब हम राइट साइड में आएंगे सबसे पहले लिखते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस फिर देखेंगे वर्क सर्टिफाइड सर्टिफिकना उसमें से देखिए ये आपका जो है वर्क कितना गिवन सर्टिफिक आपको यहाँ देखिए जो कैश रिसीव हुआ वो कितना हुआ वन थाउजेंड सॉरी वन लैख

अब वर्क है आपका अच्छा गिवन ही नहीं है आप अच्छा इस बार वर आपको वर्क कंसिटाइड गिवन ही नहीं है तो ठीक है कुछ भी नहीं लिखेंगे फिर हम सॉरी तो वर्क पर कुछ भी नहीं है टोटल ही लिख देंगे आपको यहाँ पर वन लैख फिफ्टी वन थाउजेंड के बाद देखिए मटेरियल एड साइड गिवन आपको नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एट दैट्स इट आप टोटल करेंगे टोटल आपका आएगा ये वन लैख सिक्सटी हम नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट का मैंने आपको बताया था नोशनल प्रॉफिट एक इमेजिनरी ठीक है मींस पूरा हमने अब तक इसको एस्टिमेट ही किया है आपका ठीक है जो जब जिक जब तक कॉन्ट्रेक्ट पूरा नहीं होता था तब तो तक हम फाइनल प्रॉफिट नहीं कर सकते ठीक है एक रफली फिक्र होती है क्या इतना प्रॉफिट आ चुका है तो नॉर्शनल प्रॉफिट हम निकालेंगे देखिए कितना आएगा आपका आपका वो आपका आ रहा है एज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ गिवन नहीं है कि भी फॉर्म जो है कितना कर रही है तो हमें निकालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग तो अब हम के देखेंगे कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ एज पर दी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट देखिए वर्क सर्टिफिकेट कितना हुआ वन लाख फिफ्टी वन थाउजेंड कॉन्ट्रेक्ट का अमाउंट कितना था थ्री लाख तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब हम देखिए वन लाख फिफ्टी वन वर्क सर्टिफिकेट हो चुका है ठीक है एंड थ्री लाख का कॉन्ट्रैक्ट है दैट मीन्स मोर देन फिफ्टी परसेंट काम हो चुका है मोर देन फिफ्टी वन परसेंट काम मोर देन फिफ्टी वन फिफ्टी परसेंट काम हो चुका है दैट मीन क्या कितना हम पी इंडिया में ट्रांसफर करेंगे कितना करेंगे टू थर्ड करेंगे टू थर्ड ऑफ नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितना कैश मिला एज पर वर्क डिवाइड कितना मिला एट्टी परसेंट सो हमारे एट्टी परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह का फिगर आ जाएगी दैट इज अमाउंटिंग रुपीज फोर थाउजेंड सो दिसंटर टू पी एन एल अकाउंट सो यहाँ पर आएगा पी एन एल अकाउंट फोर थाउजेंड नोशनल प्रॉफिट कितना था सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट जो बैलेंस फिगर आएगी कितनी आएगी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड That's it. चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिक्स एंड अप्रैल 2017 द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज थ्री लैक मटीरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट फिफ्टी वन थाउजेंड प्लांट यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट फिफ्टी सॉरी फिफ्टीन वेजेस इनकर्ड एटी वन थाउजेंड अदर एक्सपेंसिज इनकर्ड फाइव थाउजेंड कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑन अकाउंट टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन सॉरी ये थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन होगा दिस वुड बी टू थाउजेंड एटीन अमाउंटेड

ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड वर लॉस्ट देखिए बोल रहे हैं कि जितना हमने प्लांट एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के लेके आए थे उसमें से प्लांट जो है तीन हजार का लॉस हो चुका है मटेरियल जो है वो ढाई हजार का वो वो लॉस हो चुका है इसके बाद बोल रहे हैं ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन Plant which cost 2500 was written to stores. The cost of work done but uncertified amounting rupees 1000 and the material costing rupees 2300 at site. On hand, charge 15% depreciation of plant. Keep reserve, keep it on reserve, half of profit received and prepare contract account. अच्छा यहाँ पर भी इन्होंने प्रोपोर्शन दे दिया हाफ ठीक है तो हम हाफ लेके चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर आपको धीरे धीरे समझाएंगे मैं बताऊंगा इसमें मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं पहले बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो देखिए डेबिट में सारे हम पहले खर्चे ले गए दे क्या क्या खर्चे हो गए मटेरियल इशू टू कॉन्टैक्ट फिफ्टी वन थाउजेंड मटेरियल फिफ्टी वन थाउजेंड प्लांट फिफ्टीन थाउजेंड वेजेस एटी वन थाउजेंड अदर एक्सपेंसेस फाइव थाउजेंड ना कम टू द राइट साइड पहले हम कह लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस वर्किंग प्रोग्रेस में क्या आएगा आपका वर्क सर्टिफाइड एज वेल एज वर्क अनसर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड ऊपर हमने निकाल लिया अमाउंटिंग रुपीज वन लैख सिक्सटी थाउजेंड एंड वर्क अनसर्टिफाइड आपको गिवन है अमाउंटिंग रुपीज वन थाउजेंड टोटल आ जाएगा आपका वन ठीक है अब देखिए अब अब आपको यहाँ से स्टेप जो है धीरे धीरे करना है. अब आप यहाँ से लेंगे फिर से बढ़िए प्लांट एट विच कॉस्ट रुपीज़ थ्री थाउजेंड एंड मटेरियल कॉस्ट रुपीज़ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वर लॉस्ट लॉस हो चुके हैं ठीक है तो या आ, आप, आपके पास देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं या तो आप यहाँ पर जो मैंने अमाउंट रखे हैं फिफ्टी वन थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड या तो यहाँ से लेस कर दो या फिर आप उसको क्रेडिट साइड में शो कर दो बात एक ही है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मटेरियल लॉस्ट एज वेल एज प्लांट लॉस्ट ठीक है मटेरियल जो लॉस्ट हुआ उसका अमाउंट है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड प्लांट का है थ्री थाउजेंड ठीक है इसके बाद क्या बोला है मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड वर इन हैंड तो लिखेंगे मटेरियल एट साइड टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपको बोला था कि क्वेश्चन क्यों देखिए पर क्या लिखा हुआ है कि, 31 2018, cost, 2003, जो प्लांट uh, की जो वैल्यू है वो रिटर्न में स्टोर कर दी उसको अब या तो इसके दो मेथड होते हैं या तो देखिए जो material, जो सॉरी प्लांट है वो स्टोर को वापस किया वो कौन सी वैल्यू पे गया किया आफ्टर डेप्रिसिएशन या बिफोर डेप्रिसिएशन देखिए प्लांट को अगर हम स्टोर में करते हैं तो प्लांट को यूज करने के बाद ही किया होगा ऑब्वियसली दैट आफ्टर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एंड रेट कितना गिवन है आपको दैट इज फिफ्टीन परसेंट तो वो भी देखना पड़ेगा आपको ठीक है तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्लांट रिटर्न टू स्टोर प्लांट रिटर्न टू स्टोर जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन देखिए वैसे कितने के 2500 की करी ट्रांसफर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड की रिटर्न की करिए ठीक है ठीके? अब उसको हम लेंगे लेस फिफ्टीन परसेंट जो है डेप्रीशन लेस करके लेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है अब देखना है कि प्लांट की वैल्यू एक्चुअली में इन हैंड या फिर प्लांट एट साइड कितनी वैल्यू है देखिए इनिशियली जब प्लांट लेके आए थे उसकी वैल्यू कितनी थी फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है अब उसमें से जो है थ्री थाउजेंड का लॉस हो चुका ठीक है और रिटर्न कर दिया इसको कितने के वैसे तो देखिए आफ्टर डेप्रेशन लेकिन हम तो कॉस्ट तो इतने लेके चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप डेप्रेशन देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर आप आप जो वैली लोगे यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट कैसे, कैसे निकालेंगे देखिए निका फिफ्टीन थाउजेंड तो इनिशियली मिले के आए थे लॉस्ट हो गया थ्री थाउजेंड का ठीक है एंड रिटर्न कर दिया स्टोर को इसकी कॉस्ट तो इतनी ही थी तो वैल्यू कितनी रह गई वैल्यू रह गई तो यहां पर ये नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो यहां पर देखिए जो लेंगे यहां पर प्लांट एट साइट जो वैल्यू लेंगे वो कैसे लेंगे यहां पर नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हैंड है ठीक है बट जो वैल्यू आएगी वो तो क्या प्लान राइट साइड आफ्टर डेप्रिसिएशन तो इसको भी हम माइनस फिफ्टीन परसेंट लेंगे सो माइनस फिफ्टीन परसेंट विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज एट थाउजेंड सेवेंटी फाइव ठीक है बस अब आपको इसका टोटल करना है ये टोटल आपका आ जाएगा इज वन नाइन थाउजेंड ये भी टोटल आ नाइन थाउजेंड अब आपको क्या निकलना है नोशनल प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट आपका आएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड कि हाफ ऑफ द प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे हाफ ऑफ द प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे तो इसका हम हाफ लेंगे ठीक है और कैश कितना रिसीव हुआ एट्टी परसेंट तो इस तरह से करेंगे इसको हम सो दैट इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का हाफ करेंगे और उसकी वैल्यू हम एट्टी एट्टी परसेंट विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज टेन थाउजेंड एट हंड्रेड वो भी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट ठीक है तो यहाँ पर आएगा आपका पी एंड एल अकाउंट

सो so, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपको यहाँ पर डेप्रेशन का जो पॉइंट है वो किस तरह से लेना है वहाँ पर देखना पड़ेगा आपको ठीक है इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव डन थ्री क्वेश्चन होम थैंक यू